और अब बात मिशन मधुपुर की। मिशन मधुपुर में सीएम हेमंत सोरेन का आज चौथा दिन है। सीएम आज भी ताबड़तोड़ सभाएं करेंगे। सीएम महागठबंधन प्रत्याशी हफीजुल हसन अंसारी के लिए तिलैया मोड़, मधुपुर, बुढ़ई मोड़, हसनाबाद चौक, मथुरापुर, पिछड़ी और मोहन बदिया मोड़ में चुनावी सभाएं करेंगे। तो सीएम मधुपुर में है, सीएम का मिशन मधुपुर, और आज ये चौथा दिन जब वो हफीजुल हसन अंसारी के लिए वोट अपील करेंगे। कई सभाएं आज भी सीएम की। पहली सभा तिलैया मोड़, बुढ़ई मोड़ में करेंगे, हुसैनाबाद चौक, मथुरापुर में भी सभा है, पिछड़ी बाद और मोहन बदिया मोड़ में भी चुनावी सभाएं हैं मुख्यमंत्री की। मिशन मधुपुर पर सीएम हेमंत सोरेन और आज चौथा दिन। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं मधुपुर का। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं इस वक्त मधुपुर से। राकेश, मिशन मधुपुर पर है मुख्यमंत्री और आज चौथा दिन, आज भी कई सभाएं उनकी। बिल्कुल, देखिए लगातार मुख्यमंत्री यहां डटे हुए हैं। चुनावी कमान उन्होंने आप कह सकते एक तरीके से संभाल रखा है जी। और लगातार वो ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। कल भी कई सभाएं उन्होंने की, रोड शो किया, और आज भी तकरीबन 5 से 6 सभाएं जो है शाम के वक्त मुख्यमंत्री करेंगे। लोगों से मिलने जुलने का जो उनका कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है। और जहां मुख्यमंत्री चूंकि मधुपुर में ही मौजूद है, तो जो यहां के वोटर्स हैं या आम लोग हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, वो तमाम लोगों से मुख्यमंत्री की मुलाकात होते रहती है। तो एक तरीके से पूरे चुनाव की रणनीति का आप कह सकते हैं कि जो केंद्र बिंदु वो मुख्यमंत्री मधुपुर में है। तो दूसरी तरफ अगर आप बात करें बीजेपी की, अगर बात करें तो दोनों तरफ से आरती जोर आजमाइश हो रही है, और कहीं ना कहीं ये जो सीट है यह दोनों पार्टियों के लिए, पक्ष विपक्ष दोनों के लिए नाक की लड़ाई है। लिहाजा जोर आजमाइश दोनों तरफ से हो रही है। बीजेपी के तरफ से भी आपने देखा होगा कि 2 दिन से लगातार रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और जोश भरने की कोशिश की जा रही है। कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन किया जा रहा है, लोगों के साथ भी संवाद किया जा रहा है, चुनावी सभाएं की जा रही है। दीपक प्रकाश जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, राज्यसभा सांसद है, उनकी भी मौजूदगी मधुपुर में हो चुकी है। वो भी लगातार बैठक कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, यहाँ के जो वर्कर्स हैं उनके साथ, और तमाम जो बीजेपी के तकरीबन 15 से 16 विधायक आप कह सकती हैं वो यहाँ कैंप कर चुके हैं, मौजूद हैं, और सभाएं अपने अपने स्तर से छोटे छोटे पॉकेट्स में किया जा रहा है। तो दोनों तरफ से जबरदस्त जोर आजमाइश दोनों के लिए, कहीं ना कहीं ये जो सीट है ये नाक की लड़ाई है। लिहाजा कोई कोर कसर या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं छोड़ना चाहती या बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है। महागठबंधन चूंकि पूरा इंटैक्ट यहां नज़र आ रहा है, महागठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहां मौजूद हैं, लगातार वो कैंप कर रहे हैं। कांग्रेस के कम से कम 5 से 6 विधायक यहाँ मौजूद हैं। आरजेडी के भी कई नेता कल यहाँ मधुपुर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो उनके कैबिनेट के कई मंत्री, चाहे जोभा मांझी की बात करें, मिथिलेश ठाकुर की बात करें, उनके जो विधायक हैं लोबिन हेमब्रम की बात करें, ऐसे दर्जनों विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो आसपास के विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वो भी लगातार मधुपुर में कैंप कर रहे हैं, मधुपुर आ रहे हैं।
जो ग्रामीण इलाका है खासतौर पर वहाँ पहुँचने की कोशिश की जा रही है। उन वोटरों को राज्य सरकार के जो 1.5 साल के कामकाज है उनको बताया जा रहा है कि सरकार ने कोविड के चुनौती के बीच, उनके संघर्षों के बीच किस तरीके से राज्य को आगे ले जाने का काम किया है, आपके हित में क्या क्या कार्यक्रम सरकार चला रही है, क्या क्या योजनाएं आम गरीबों के लिए राज्य सरकार के तरफ से दी जा रही है, तो उस मैसेज को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से राज्य सरकार में मंत्री हैं, वो ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं, उनको गोलबंद करने की कोशिश की जा रही है। तो आरती, जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाता है तब तक ये कहना कि ये चीजें किस तरफ लेकिन लेकिन राकेश ये भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से जुबानी वार हो रहे हैं वो भी बड़ा दिलचस्प लग रहा है। आप देखिए कल मुख्यमंत्री ने पहले कहा कि सबसे बड़ी भिखारी पार्टी है जो बोरो कैंडिडेट्स को लेकर चुनाव लड़ रही है, चाहे आप बाई इलेक्शन देखे या जनरल असेंबली इलेक्शन देखे, उनमें सब चीजों को लेकर उन्होंने कहा। उसके बाद में जब आपकी बात हो रही थी अन्नपूर्णा देवी से, उन्होंने कहा कि गंगा नारायण सिंह को कौन नहीं जानता, वो यहीं के रहने वाले हैं, यानी कि वो पार्टी कोई भी हो मायने नहीं रखता, इलाके में उनकी पैठ है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो जुबानी वार है वो भी इस पूरे मुकाबले को दिलचस्प बनाता जा रहा है राकेश। नहीं, ये तो देखिए आम चुनाव की खूबसूरती आप इसको कह ले आरती, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो इस तरह से सियासी वार दोनों तरफ से किए जाते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से ये किए जाते हैं और ये चुनाव का अपना सियासी तौर पर एक मिजाज होता है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास चूंकि यहाँ मौजूद हैं तो लगातार अपने जो 5 साल के कार्यकाल है उनको लोगों के बीच में गिराने का काम कर रहे हैं कि उनकी सरकार थी तो किस तरीके से काम हो रहे थे, और मौजूदा जो हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, उसमें जो 1.5 साल का अब तक का कार्यकाल है तो कहीं ना कहीं जो विकास है वो एक तरीके से रुक गया है। तो अपने अपने तरीके से चीज़ों को रखने की कोशिश की जा रही है, और जहाँ तक जुबानी जंग की बात है तो ये दोनों तरफ से है। मुख्यमंत्री ने ज़रूर चुनावी सभा से कहा था कुछ दिन पहले कि भाई उनके जो प्रत्याशी हैं वो आयातित हैं और उस प्रत्याशी को जिताने वाले जितने चेहरे मधुपुर में मौजूद हैं बीजेपी के, वो तमाम लोग जो हैं वो आयातित हैं। तो उस पर काउंटर्स भी आ रहे हैं कि भाई जो गंगा नारायण, जिसको आप बाहरी बात कर रहे हैं, जिसको बता रहे हैं कि आप गोवा के हैं, वो धरती पुत्र ही है, यहीं का है। तो ये अपने अपने तरीके से चीज़ों को रखने की कोशिश की जा रही है, और आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा चीज़ों को पोलराइजेशन की तरफ भी ले जाने की कोशिश हो रही है। कुछ शिकायतें बीजेपी की ये भी आई है कि उनके जो बैनर पोस्टर जो झंडे लगाए गए हैं तमाम वोटरों के घरों में, उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो निकालने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर आपने देखा होगा कि बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत भी की है। तो ये चीज़ें चल रही है चुनाव में, अब हर तरफ से अपने अपने दल के जो लोग हैं वो वोटरों को लिभाने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोशिश इस बात को लेकर है कि चुनाव, उनको लगता है कि चुनाव वो लगभग जीत चुके हैं, लेकिन जो संघर्ष है वो बड़े मार्जिन को लेकर है, तो वो उस दृष्टिकोण से चीजों को आगे लेकर बढ़ रही है। और बीजेपी की अगर बात करें तो उनके लिए थोड़ा संघर्ष जरूर है क्योंकि परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं है। साइकोलॉजिकल भी अगर आप चीजों को देखें तो 2 उपचुनाव बीजेपी चूंकि हार चुकी है तो 3रा उपचुनाव है, तो बड़ा प्रेशर है। बाबूलाल मरांडी ने हालांकि कमान संभाल रखी है, लेकिन बाबूलाल की स्वीकारता भी कहीं ना कहीं इस चुनाव से ही टिकी हुई है आरती, क्योंकि 2 उपचुनाव में बैक टू बैक हारने से एक तो बाबूलाल की स्वीकारता बीजेपी के अंदर में उस मजबूती के साथ हो नहीं पाई। अगर ये चुनाव बीजेपी जीतती है तो दीपक प्रकाश का भी कद बढ़ेगा, बाबूलाल का भी कद पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनाव बड़ा मायने रख रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए तो मायने है ही, क्योंकि मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा इस चुनाव से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री ने जो मास्टर स्ट्रोक चला उनको पहले ही मंत्री बना दिया, ऐसे में मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा, महागठबंधन की प्रतिष्ठा इस चुनाव से जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार जो संघर्ष कर रही है, तो अगर ये चुनाव बीजेपी जीतती है तो यहां से एक बड़ा मैसेज बीजेपी पूरे राज्य में देगी आरती। चलिए तो अब नजर बनाए रखिए, आज भी कई सभाएं हैं और ये कवरेज हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। राकेश फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका। तो मिशन मधुपुर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और आज चौथा दिन, आज भी मुख्यमंत्री की ताबड़तोड़ सभाएं जहां पर हफीजुल अंसारी के लिए वोट अपील करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन।